नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आज आपका ऑप्शन की अगली स्ट्रैटेजी में। तो अगेन आज हम लाइव एग्जांपल लेंगे, मार्केट से लाइव प्राइसेस लेंगे और डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बेयर पुट स्प्रेड को। ध्यान रखिए, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, एसएफएम, सीएफए या एफआरएम या एनआईएसएम का एग्ज़ाम, या फिर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करके जब भी मार्केट बेयरिश हो आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग से, और बहुत ज़्यादा सेफ स्ट्रैटेजी है। यानी कि आपको ये लिमिटेड रिस्क देता है और लिमिटेड प्रॉफिट देता है, और मार्केट आउटलुक अगर बेयरिश है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए बिना इंतज़ार के ज़्यादा कुछ हम जो है इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो कैसे इस स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं, देखिए बियर पुट स्प्रेड जो होता है उसमें अपन दो पुट ऑप्शन को लेते हैं। एज डिस्कस्ड बियर पुट स्प्रेड, क्योंकि नाम ही बताता है पुट है, तो दो पुट लेते हैं। एक हम बाय करते हैं पुट को विथ अ हायर स्ट्राइक प्राइस, और एक उससे थोड़ा कम स्ट्राइक प्राइस का पुट को हम शॉर्ट करते हैं। यानी कि हमें उम्मीद होती है कि इस लेवल से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा बट इस वाले लेवल से प्राइस नीचे आएगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं बेरिश मार्केट में। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइंग एसेट सेम होना चाहिए और जो हमारा एक्सपायरी डेट है वो भी सेम होना चाहिए। देखिए कई सारी स्ट्रैटेजी में हमारा जो कैलेंडर स्प्रेड वगैरह होता है उसमें अलग अलग एक्सपायरी डेट हम लोग यूज़ करते हैं, बट इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सेम एक्सपायरी डेट अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है हमारा बेरिश होना चाहिए और प्रॉफिट आपका इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेड होगा और रिस्क भी आपका इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेड होगा। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा एक स्टॉक जो कि बेयरिश हो, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस स्ट्रैटेजी को। तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड, ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से हमारा घट रहा है लगातार, और पीछे बजट के बाद इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी। बजट वाले दिन 1 फरवरी को बहुत ज़्यादा प्राइस टूट गया, उसके बाद भी टूटा है, काफ़ी नीचे गया है। ये 204 रुपए के आसपास तक का लो इसने लगाया है, और अगर हम थोड़ा पीछे चल के देखें तो जो हमारा आईटीसी का ये जो लेवल है 204 रुपए का, ये काफ़ी पहले आया था। यानी कि ये तकरीबन आया था 2016 मई में। तो मुझे उम्मीद है कि 204 रुपया या मैक्सिमम 200 रुपये से नीचे प्राइस नहीं जाएगा इस महीने की एक्सपायरी तक, उससे ऊपर ही रहेगा। तो ये वाली जो हमारी पुट है लोअर वाली, ये वाली हमने पुट सेल कर देनी है, क्योंकि पुट सेलर हमेशा बुलिश होता है और उम्मीद करता है प्राइस इससे ऊपर जाएगा, और प्राइस इससे ऊपर रहेगा तो पुट सेलर को फायदा रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली मुझे लगता है कि प्राइस नीचे रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 225 रुपये से प्राइस नीचे रहना चाहिए इस महीने की एक्सपायरी तक, ठीक है, 225 रुपये या 220 रुपये इस तक से नीचे रहना चाहिए। तो हमारा एक लेवल बनता है 220 के आसपास का, और हमारे पास जो लोएस्ट है वो बन रहा है लगभग 200 के आसपास का, ठीक है। तो 200 से नीचे नहीं और 220 से ऊपर नहीं, ऐसा कुछ हम लेवल ले रहे हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लेवल ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईजिली हमने ये वाला लेवल अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या आ रहा है। तो 220 वाली पुट हमें बाय करनी है, जिससे उम्मीद है कि हमें मार्केट नीचे ही रहेगा। तो 220 की जो हमारी पुट है वो तकरीबन चल रही है 8.85 रुपये की, ठीक है। इसका जो प्राइस है हमारा, यानी कि हमने बाय करना है, तो सेल कर देखेंगे आस्क प्राइस, तो 9.15 रुपये का, चलिए राउंड फिगर में हम 9 रुपये मान लेते हैं प्राइस को। सो बियर पुट स्प्रेड, सो बियर पुट स्प्रेड में अपन एक पुट हम बाय करेंगे, और हमने डिसाइड किया कि हम पुट ले रहे हैं आईटीसी लिमिटेड का, जिसका कि हमने डिसाइड किया कि जो एज हाई एज 220 तक रहेगा प्राइस, इससे नीचे नहीं जाएगा। और जो हमने पुट लिया है, फिर इसका हम प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम हमारा आ रहा था 9 रुपये के आसपास का, तो 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, तो 9 रुपीज़ ही राउंड फिगर में मैं ले लेता हूँ।
और जो हमने पुट शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करना है 200 रुपये का, यानी जो मुझे उम्मीद है कि प्राइस 220 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और इसका जो हमारा प्रीमियम चल रहा है वो देखते हैं कितना आता है हमारा। इसका प्रीमियम 200 रुपये का जो प्रीमियम है वो तकरीबन पुट का हमारा आ रहा है 80 पैसे का, ठीक है। तो 80 पैसा अपन को मिलेगा, ठीक है। तो 80 पैसा या 70 पैसा, चलिए मैं बीच का 75 पैसा ले लेता हूँ, 0.75, तो ये आपको रिसीव होगा। तो तकरीबन जो आपने पे किया, 9 रुपये पे किया, रिसीव किया 75 पैसा आपने, और टोटल जो आपका कॉस्ट रहा वो रहा हमारा 8 रुपये 25 पैसे का। अब इसका जो ब्रेक इवन होता है बहुत सिंपल होता है, जो आपने पुट सेल करी है 200 वाली और जो हमारा प्रीमियम है 800 रुपये का, अगर ये हम ऐड कर दें तो 208 रुपये के आसपास हमारा ब्रेक इवन आएगा, ठीक है। तो जो हमारा पुट का बात अगर हम करें तो पुट ऑप्शन काम कैसे करती है या पुट ऑप्शन काम कैसे नहीं करती है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन कैसे ट्रेड करें बेसिक वीडियो, वो उसका लिंक है, आप उससे आप सीख सकते हैं। और वापस इस वीडियो को देखिए, आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप पता कर पाएंगे कि बेयरिश मार्केट में हम कैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो पुट हमने बाय करी हुई है, पुट बाय आपको तब फायदा देती है जब हमारे स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे जाता है। तो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था 220 का और हमने पैसे पे किए थे 9 रुपये हमने पे किए थे। तो अगर प्राइस हमारा नीचे आता है जैसे 210 रुपये, तो हमारे पास 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 209 रुपये नीचे पे लगभग आपका ब्रेक इवन है सिर्फ पुट में। कंबाइंड में तो ब्रेक इवन हमारा 208.25 पे है, तो सिर्फ पुट का ब्रेक इवन हमारा 209 रुपये नीचे, यानी कि लगभग 211 रुपये के आसपास आएगा। तो 210 रुपये पे आपको फायदा होता है, 200 पे फायदा होता है, 190 पे फायदा होता है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमने 200 रुपये की जो पुट हमने 220 रुपये की जो पुट हमने बाय करी है, ठीक है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमारा 220 रुपये वाला, ये फायदा तब देगा जब प्राइस नीचे जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुट बायर हैज द राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल। तो पुट बायर बेरिश होता है टेक्निकली, और जब प्राइस हमारा नीचे जाता है तो ही पुट बायर एक्सरसाइज करता है, अदरवाइज पुट बायर एक्सरसाइज नहीं करता है। तो इस वाले केस में हमने ये देखा कि हमारा जो पुट का बायर है, प्राइस नीचे जाने पे प्रॉफिट आ रहा है उसका, और ऊपर जाने पे लिमिटेड लॉस, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। सिमिलरली जो पुट का राइटर है, यानी कि पुट का शॉर्ट करने वाला बंदा है, पुट का सेलर, सेलर शॉर्ट या राइटर तीनों सेम होता है। तो जो पुट का सेलर होता है वो बेसिकली प्रीमियम लेता है, इसलिए उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो बाय करेगा करेगा। तो बायर को फायदा हमेशा तब होता है किसी भी एसेट का जब प्राइस बढ़े। तो पुट का सेलर बेसिकली एक्चुअल में बायर है और प्राइस बढ़ने पे उसको फायदा होगा, लेकिन फायदा उसका लिमिटेड होगा जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है। तो 200 रुपये की उसने पुट आपको आपने ली थी, और 200 रुपये से अगर ऊपर प्राइस रहेगा तो आपको 75 पैसे का फायदा होगा प्रीमियम का, और इससे अगर नीचे रहेगा तो हमारा अनलिमिटेड लॉस होगा। पर ध्यान रखिए, जो हमारा पुट सेल से अनलिमिटेड लॉस है, हमारा पुट बाय से अनलिमिटेड फायदा है। तो अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड फायदे को ऑफसेट कर देता है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट 11 रुपये 75 पैसे का रह जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में, बियर पुट स्प्रेड में, चूंकि ये स्ट्रैटेजी बेयरिश है इसलिए इसका नाम बेयर है, और पुट हमने लिया इसलिए पुट है, और स्प्रेड है यानी कि डिफरेंस है हमारा दो पुट का। तो जो हमारा बेयर पुट स्प्रेड है, इसमें अपन को जो प्राइस नीचे जा रहा है तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि प्राइस घटता है मार्केट में, बेयरिश स्ट्रैटेजी है तो घटने पर फायदा होना चाहिए। मार्केट अगर घटता है हमारा, यानी कि एक्सपायरी डेट वाले दिन हमारा स्पॉट प्राइस 200 रुपये से घटता जाता है, 190, 170, 150, 140 कुछ भी होगा, जीरो भी होगा, तो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 11 रुपये 75 पैसे होगा। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैक्सिमम नुकसान हमारा 8 रुपये 25 पैसे का मैक्सिमम नुकसान होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो सेम चीज़ हमारा पे ऑफ चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्राइस, अगर ये देखें ये हमारा बीच में प्राइस लाइन है, अगर प्राइस हमारा घटता है, ठीक है, तो हमारा लिमिटेड फायदा है यानी कि 11 रुपये 75 पैसे का। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा लिमिटेड लॉस है, मैक्सिमम लॉस है 8 रुपये 25 पैसे का। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ये बेयरिश स्ट्रैटेजी है। एज वी डिस्कस्ड, फायदा आपको लिमिटेड है और नुकसान भी आपको लिमिटेड है।
बट स्ट्रैटेजी अच्छी है, कई सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट देती है। देखिए अगर आप सिर्फ पुट लेंगे तो आपको क्या है, प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इस हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम आपको बच गया। दूसरा, वो वाली हम पुट सेल कर रहे हैं जिससे उम्मीद है वो जो मार्केट है हमारा नीचे जाएगा ही नहीं, तो एक तरह से वो प्रीमियम आपको गेन हो जा रहा है जिससे आपका कॉस्ट कम हो जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब्सोल्यूट रिटर्न तो बहुत अच्छा है, बट अगर हम आरओआई की बात करें तो पुट सेल करते वक्त हमें मार्जिन देना पड़ता है जो कि लाखों में होता है, और पुट बाय करते वक्त हमें सिर्फ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज उतना ही देना होता है। तो इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट जरूर पुट बाय करने में कम लगती है, पुट सेल करने में थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए और अगर हम प्रॉफिट की दृष्टि से देखें तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट बेयर पुट स्प्रेड से हो जाता है। तो होपफुली ये आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई। अगर आप और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है हमारा एक प्रीमियम स्टडी पैक लेने का, जिसमें हम 30+ स्ट्रैटेजीज को लाइव मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट तीनों में ही ऑप्शन की स्ट्रैटेजी अप्लाई करना आपको सिखाएंगे, और आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर करके लाइव मार्केट में आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक बॉक्स है, कन्वर्जन रिवर्सल है, और भी कुछ नई स्ट्रैटेजीज हैं जिसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाँ थोड़ा सा ऑफ बीट है और बहुत ही अच्छा है। तो आप चाहें तो 30+ स्ट्रैटेजीज को सीख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ ऊपर, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए और देखिए कि क्या चीज़ है। इसके अलावा आप चाहें तो हम आपको और भी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, CFA, FRM, फाइनेंशियल मॉडलिंग और NISM कोर्स की प्रिपरेशन। तो आपको फुल एक्सेस मिलता है प्रीमियम स्टडी पैक में। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाँ अगर आप इसमें से कोई भी नहीं चाहते लेना, आप चाहते हैं कि भाई आराम से यूट्यूब पे सीखते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन रहती है आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अलविदा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।